अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज डॉक्टर नेहा, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी साइकोथेरेपिस्ट की नवी थेरेपिस्ट एंड डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। और आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। और मैंने ये टॉपिक इसलिए रखा है कि अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को समझ नहीं आती कि वो जो फेस कर रहे हैं वो क्या स्ट्रेस है, और कब वो स्ट्रेस की जो थ्रेश होल्ड है वो पास करके वो डिप्रेशन या एंगजाइटी में कन्वर्ट होगा। क्योंकि मामूली स्ट्रेस को अगर आप ये कह रहे कि मुझे डिप्रेशन हो गया, मैं लो फील कर रहा हूँ, या मुझे एंगजाइटी हो गया, तो जो जिन लोगों का एक्सपीरियंस होता है समटाइम, जो कि वाकई इन बीमारियों से गुजर रहे हो, उनका शिकार होते हैं, इन डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं, तो समटाइम उनका एक्सपीरियंस जो है, जब क्योंकि फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर ये कहा जाए कि मुझे मैं 3 4 दिन से लो फील कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे कोई डिप्रेशन हो गया, और क्या पता आप डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर आपको मेडिकेशन दे दे, और मे भी आपको मेडिकेशन की जरूरत ना, क्योंकि अक्सर हमारे लोगों को लगता है कि जब वो मेडिकेशन लेंगे तो वो उनकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो है एज स्ट्रेसर आर कमिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ट्रिगर क्या है, क्या बंदा क्या हम फेस कर रहे हैं, और उसके बारे में क्या किया जा सकता है। सो इसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने डिप्रेशन और एंगजाइटी का अलग से किया हुआ, अगर किसी को चाहिए तो मैं आप मुझसे मैसेज कीजिए, मैं आपको ना उनका लिंक दे दूंगी। मेरे चैनल पर जाइएगा, यू विल गेट आइडिया अबाउट डिप्रेशन एंगजाइटी समहाउ। उसमें मैं थोड़ा स्ट्रेस को भी डिस्कस किया, बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रेस, बिकॉज बहुत सारे दफ़ा ऐसा होता है कि हम में ये आइडिया नहीं हो पाता कि जो स्ट्रेस है हमारा वो बर्न आउट की कैफियत में चला गया, और सम टाइम जो हमें डिप्रेशन एंगजाइटी के जो सिम्टम्स लगते हैं, या हमें लगता है कि इसको डिप्रेशन एंगजाइटी में, सम टाइम वो स्ट्रेस होता है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि आया हमारा जो क्लाइंट है, या हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, या हम खुद जो है, वो किस चीज का शिकार है, या किस तरह से इसको बुक किया जा सकता है। तो लेट मी शेयर माय स्लाइड विद यू। आपको स्लाइड नजर आ रही है? काइंडली साइन बना के बता दो मुझे, थम्स अप करें, मुझे आइडिया हो जाएगा। थैंक यू। चलें मैं स्टार्ट करती सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर आप इधर आप थेरेपिस्ट हैं, या भी बन रहे हैं, या इर्द गिर्द के आपके जितने लोग हैं, इवन फैमिली मेम्बर्स हैं, या आप खुद भी, वो किस लेवल से गुजर रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। सो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेस। और ये भी आपको समझने की जरूरत है कौन सी थ्रेश होल्ड पास करता है, तब जाके हम कहेंगे कि ये इसको डिप्रेशन हो रहा है, ये एग्जाइटी हो रही है। We'll talk of this about later on, या फिर किसी और टाइम इसके बारे में बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बात की हुई है। तो टुडे लेट्स स्टार्ट अबाउट डेली स्ट्रेसर्स। बहुत दफा ऐसा होता है, सो लेट्स टॉक अबाउट डेली स्ट्रेसर्स। और बहुत दफा ऐसा होता है कि हम बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज अ मदर चैलेंज होगा कि मतलब 4 बज गए, मैं अभी तक खाना नहीं बनाया, ये बच्चे पीछे स्कूल वापस नहीं आए, तो ये तरह का डेली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, जो कि जब वो चीज़ हो जाती है तो फिर यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल, या जिसको बाकी जो ले मैन की टर्मिनोलॉजी जिसको हम कहते हैं कि यू स्टार्ट फीलिंग नॉर्मल। और इस स्ट्रेस की वजह से यू माइट फील ओवरवेलमिंग। अच्छा, ओवरवेलमिंग का मतलब ये होता है कि बहुत सारे इमोशन एकदम से फील आप फेस कर रहे होते हैं। कभी आपको लगता है जैसे फॉर एग्जाम्पल पैनिक लाइक सिचुएशन जो होती है कि दिल की धड़कन तेज हो रही है या नहीं हो रही है, या समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किधर करूँ, एक आवाज भागता वाली जैसे कैफियत होती है वो तारी बंदे के ऊपर हो जाती है। और कभी के बार बड़ों में बहुत स्ट्रांग इमोशंस भी आ सकते हैं, गुस्सा भी आ सकता है, रोना भी आ सकता है, फेयर, डर भी लग सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और बच्चों में भी समटाइम ये सिचुएशंस होती है कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स का स्ट्रेस है, बहुत सारे बच्चे स्कूल जब मॉर्निंग में कहते हैं हमारे पेट में दर्द हो रहा है, तो इट इज समटाइम दे आर शोइंग देयर एंगजाइटी, या कुछ और भी कह सकते हैं आपको। सो बिकॉज स्कूल बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है वहां पे, और आपने कितना इफेक्टिवली डील कर, दैट मैटर्स एक्चुअली, इन डेली लाइफ सिचुएशंस को आप कितना इफेक्टिवली डील कर सकते हैं। फिर अगर पब्लिक हेल्थ की बात की जाए, एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग कैन मेक अस फील आइसोलेटेड, मतलब ये सिंपल डिफरेंट चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस फील हो सकता है, कि या कोई जनरल हेल्थ कंडीशन हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड में बहुत सारे लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी लोगों के लिए, डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, या फिर आप लोगों से किसी से नहीं मिल पा रहे, या आपके जो फैमिली मेम्बर हैं उनसे आप दूर हैं, या कोई हॉस्टल में है अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए, फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली से किसी टाइम के लिए दूर है, इट कुड कॉज स्ट्रेस फॉर यू। इट ऑल्सो और इस सिचुएशन में यू वुड नॉट फील कि आप इससे बात करें, अकेले रहना चाहेंगे, या फिर
इसी की वजह से जब ये होगा तो आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ सकती है उसकी वजह से। और रिमेंबर दैट एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर में फर्क होता है। अब क्या हो सकता है, जब आप स्ट्रेस का लेवल होता है उसको समझने के लिए आपको क्या करना है, इट्स बेसिकली मोर लाइक यूर अंडरस्टैंडिंग यूर सेल्फ। जब आप आपको समझेंगे इट्स ऑल्सो इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड अदर पीपल। सो इफ समबडी इज गोइंग थ्रू स्ट्रेस और यू आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस, क्या हो सकता है, टेंस और पेनफुल मसल, यानी कि आपको बॉडी में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, बॉडी में दर्द हो सकता है, कंधे में दर्द हो सकता है, टांगों में दर्द हो सकता है। जैसे मैंने बताया था बच्चों के पेट में दर्द होता है, वो कहते हैं सुबह सुबह उठ के कहेंगे हमें दर्द हो रही है, बॉडी में दर्द हो रही है। तो इट्स मोर लाइक कि आपकी मसल्स बहुत टेंस हो गए हैं, और क्यों, वो फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स की वजह से होता है, बिकॉज यू आर इन अ स्ट्रेस। तो आपकी बॉडी जो है बायोलॉजिकली उस चीज को वो करती है। देन पॉसिबली एक्सपीरियंस इन शोल्डर बैक, जैसे मैंने आपको बता दिया, स्टमक और हेड, डाइजेस्टिव इशू हो सकते हैं अंडर स्ट्रेस, जीआई ट्रैक इशू फॉर एग्जाम्पल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंक्लूडिंग नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। यानी कि इफ यू आर इन स्ट्रेस, और आप में बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनको ये चीजों एकदम से उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, एकदम से लगता है कि जैसे खाना बिल्कुल एकदम से ठीक बैठे, जैसे कोई ऐसी बात हुई तो उनको चक्कर आना शुरू हो गए, या अक्सर ऐसा भी होता है कि बाद में भी ये सिम्टम्स उनको हो सकते हैं, ये कंडीशन हो सकती हैं कि उनके सर दर्द हो सकता है, खाना हजम नहीं हुआ, पूरी रात जागते रहे क्योंकि खाना नहीं हजम हो पा रहा था। और तभी कहा जाता है कि खाने से पहले जो है इट इज नॉट इवन एडवाइजेबल टू वॉच टीवी, बिकॉज वहां पे बहुत सारे न्यूज ऐसे होते हैं जिनका हम कहते हैं कमजोर दिल हजरात होते हैं, या इवन यूजली भी ट्राई नॉट टू टॉक वेन यू आर ईटिंग, के कोई भी स्ट्रेसफुल चीज के बारे में बात ना करें, आप बाद में ही बात कर सकते हैं। खाना के टाइम आप सिर्फ खाना खाएं, कुछ लोग टीवी देख रहे थे, बहुत सारे न्यूज होते हैं जो दैट कुड मेक यू अपसेट। सो आपकी आपकी हेल्थ को मुतासर करता है, आपकी फिजिकल हेल्थ को मुतासर कर सकता है। यहाँ पे पहले सेक्चुअल हेल्थ मैंने इसलिए कहा वेलबींग, बिकॉज बहुत सारे लोग मैरिड भी होते हैं, सो इट कुड अफेक्ट देयर हेल्थ एंड वेलबींग ऑल्सो। एंड इफ समबडी वॉन्ट टू कंसीव एंड देर इज स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू एंड मेल के कई प्रॉब्लम, वुमेन दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है, इवन वुमेन की साइकिल भी डिस्टर्ब हो सकती है बिकॉज ऑफ दैट। एंड हार्ट एंड ब्लड प्रेशर अप ऊपर नीचे हो सकता है, ब्लड शुगर फील आप फील कर सकते हैं, ब्लड शुगर आपको लो हो गया बिकॉज ऑफ पैनिक लाइक फीलिंग, इंक्रीज और रिलीज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, जिसको मैंने कहा कि आप स्ट्रेस में फील करेंगे दैट यू आर इन स्ट्रेस, तो फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स बॉडी उस पर चली जाती है। इट्स मीन लाइक यू आर इन अ स्ट्रेस मोड, तो आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करती है, फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स आता है, हार्मोन्स की रिलीज होती है, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग एक्ट कर रही होती है, हार्ट रेट में मुतासर हो सकता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जा सकता है। सो इट्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। एंड बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, उनकी ईसीजी भी नॉर्मल आती है, टेस्ट कराते हैं, वो नॉर्मल आते हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। और इस अक्सर इस वजह से भी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे कुछ डिसऑर्डर्स होती हैं उससे पीपल फील दैट उनकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है वो बॉडीली फॉर्म में आ जाती है, बट दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट आई वाज जस्ट मैं आपको मेंशन कर रही थी। अब थिंकिंग ट्रैप्स क्या होते हैं जो कि स्ट्रेस को लीड करते हैं, या यू कुड अंडरस्टैंड थिंक दैट के वो कैसे आपकी थिंकिंग को मुतासर करता है, जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी जो है वो अफेक्ट होती है, आप परेशान होते हैं, अपने घर वालों को परेशान करते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, या खुद अपने दोस्तों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो आपको समझ नहीं आ रही मेरे साथ क्या हो रहा है, बिकॉज यू आर इन अ स्ट्रेस और स्ट्रेस में फॉर। और कुछ बहुत दफा ऐसा होता है कुछ लोगों की जॉब भी ऐसी होती है जिसकी वजह से उनके साथ ये सब चीजें होती हैं। अब जब थिंकिंग ट्रैप्स क्या है जो कि आपके लिए बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इधर सच स्ट्रेस और या कोई और कंडीशन है, या जंप टू कंक्लूजन विदाउट नोइंग एनीथिंग, कोई प्री कंसीव्ड आइडिया था, कोई पिछला एक्सपीरियंस है, किसी के एक्सपीरियंस सुना हुआ था कि बच्चा लेट, बच्चा अभी तक घर वापस नहीं आया, तो यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एवरी नेगेटिव थिंग कि मोहल्ले में ऐसे भी होता, पिछले साल फलां के बच्चे के साथ ऐसा हुआ था, ये हो गया था, वो हो गया, स्कूल में ऐसा हो गया था, सो बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड अस, सो इट कुड ट्रैप यू डाउन। नेक्स्ट थिंग इज दैट देर आर ऑफन हेल्पफुल और अनफाउंडेड, इट कुड अफेक्ट योर विजन को अफेक्ट कर सकते हैं, लिमिटिंग आवर एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्व एंड मूविंग फॉरवर्ड। तभी जब यू आर इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड वट टू डू, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक मदर को पता चला कि उसका बच्चा जो है अभी तक घर नहीं आया, तो बजाय से कि वो किसी को कॉल करे, स्कूल कॉल करे, वो परेशानी में हर तरह की नेगेटिव चीजें जो हुई हुई हैं उसके बारे में सोचना शुरू कर, बिकॉज नेगेटिव क्यों सोचता है इंसानी जहन, बिकॉज इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी ऑटोमेटिक ऑल्सो। और हमने सोसाइटी में इसकी चीजें भी देखी होती है, वी हैव सीन द एग्जाम्पल्स अराउंड अस ऑल्सो, उसमें पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी होती हैं लेकिन नेगेटिव बहुत ऑटोमेटिक होती हैं, बहुत जल्दी इंसान के जहन में आती हैं। एंड
And another point is maximizing the negative and minimizing the positive outcome of a lot of things. For example, casting blame हो सकता है in terms of external internal assignment of the blame. यानी क्या blame करना शुरू कर देंगे, काश मैं खुद चली जाती, उसके अब्बू क्यों नहीं लेने गए उसको, या भाई चला जाता, मैंने उसको कहा भी था कि आज मत जाओ, या मैंने कहा भी था कि आज स्कूल मत जाओ. सो यू कैन सी दैट कि फुल जो है एक थिंकिंग ट्रैप है एंड दैट इज गोइंग टू अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल. Now, what else? It how it could affect your कैसे thinking patterns जो है आपके affect हो रहे. Over generalization मैंने भी कहा कि एक incident पिछले incident में आप उसको over generalize कर लेंगे कि इसके ये नहीं होता वो नहीं होता, उसका कोई फिक्र नहीं करता, मेरे बच्चे को कोई केयर नहीं करता, घर वाले से केयर नहीं करते. सो वी कैन से दैट जितनी नेगेटिविटी सर्टन अनसर्टन चीजें होती हैं वो हमारे जहन में आ जाती हैं एंड एंड दैट्स हाउ इट अफेक्ट अस. नेक्स्ट थिंग इज दैट माइनर सेटबैक स्पेसिफिक टू वन इवेंट आर अप्लाइड मोर वाइडली. यानी कि कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है या कोई बुरी चीज हुई थी पास्ट में, आपने सुना, आपने कहीं देखा, टीवी पे देखा, जिसने आपको उसको ओरिजिनलाइज किया. नेक्स्ट थिंग इज अनहेल्पफुल इमोशनल रीजनिंग. वी मे बिकम मोर अपसेट देन द सिचुएशन सजेस्ट और डिमांड्स, लीविंग अस एंशियस एंड ओवरवेल. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब अगर बच्चा स्कूल से अभी तक घर वापस नहीं आया तो जैसे कि स्कूल कॉल की जाती है, ड्राइवर को कॉल की जाती है जिसके साथ तो बच्चा आता है, या घर से बाहर निकल के जिस रास्ते से बच्चा वापस आता है उस पर चला जाया जाता है, आपके स्ट्रेस की वजह से, इसको ओवर जनरलाइज होने की वजह से, उसको कैटास्ट्रॉफिक करने की वजह से आपकी थिंकिंग एबिलिटी मुतासर हुई, आपकी हर तरह की एबिलिटी मुतासर हुई, और आप यू आर मोर फीलिंग लाइक ट्रैप्ड इन दैट थिंग एंड इट्स लाइक यू यू कैन नॉट एबल यू आर नॉट इवन एबल टू मूव योर बॉडी. सो इट्स समथिंग लाइक दैट. अब एक इवेंट है, एक इंसिडेंट है और आपने उसका स्ट्रेस इतना ज्यादा लिया. सो इट्स हाउ इट इज अ थिंकिंग ट्रैप एंड हाउ इट्स अफेक्टिंग योर होल डे एंड जनरल चीजें भी आपको कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं आपकी ओवरऑल बॉडी जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्ट्रेस. नाउ लेट्स सी दैट जब स्ट्रेस होता है तो कितनी थ्रेश होल्ड है, कितना स्ट्रेन आपकी बॉडी के ऊपर आ सकता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट. समटाइम बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती है जिनमें एक बंदा जो है बहुत स्ट्रेसफुल जॉब होती है. फॉर एग्जाम्पल कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं हमारे, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग में, जहाँ पे जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है, आपने ऑल द टाइम वहीं पे अवेलेबल रहना है, आपने ऑल द टाइम मॉनिटर करना है उन चीज़ों को, एंड इट्स लाइक दैट अ लॉट ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन यू. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ डॉक्टर सो अ लॉट ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन यू. इट्स मोर लाइक के अगर आप स्ट्रेस लेंगे, यू आर नॉट इवन एबल टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेस, हाउ यू आर एबल टू डू अदर थिंग. सो इट्स मोर लाइक स्ट्रेस यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इट स्ट्रेस या वो डिप्रेशन एंग्जाइटी है, एंड वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर होल लाइफ इवन एक स्मॉल इंसिडेंट की वजह से. और अगर ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है, इट मीन्स दैट आपके बर्न आउट की कैफियत आ गई एंड योर बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनीथिंग एट ऑल. सो स्ट्रेस इज अ स्मॉल एक्सपीरियंस एंड स्ट्रेसर समटाइम वी कुड से दैट इट कुड रिजल्ट अ टेम्पररी स्ट्रेस. एक छोटा ट्रिगर है, जैसे हमने एग्जाम्पल दी कि बच्चे को घर से वापस अभी तक वापस नहीं, लेकिन जब बच्चा घर वापस आएगा तो यू कैन से दैट वो मदर वुड बी फील नॉर्मल एंड शी विल डू अदर थिंग्स ऑल्सो. एंड ऑल्सो टेम्पररी स्ट्रेस वाइल हेल्पिंग अस फेस फ्यूचर. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें एग्जाम्स की एंगजाइटी होती है, हमें स्ट्रेस होता है, हम एग्जाम की तैयारी करते हैं और वो हमें लाइफ चैलेंजेस के लिए तैयार करता है एंड दैट इज हेल्प फॉर अस इन दैट. और फिर हमें डिसअपॉइंटमेंट से बचाता है और हर तरह की नेगेटिव फीलिंग जो हमारे ऊपर आ सकती हैं इन टर्म्स ऑफ के वी आर नॉट एबल टू डू सर्टन थिंग्स, वी आर नॉट हेल्पिंग एनी पीपल, या हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो जब स्ट्रेस आता है तो उसकी वजह से जो है ना वी कैन से दैट वी कैन परफॉर्म इन आवर डेली लाइफ. एंड इट्स लाइक दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ स्ट्रेसेस. अगर हम स्ट्रेस के बारे में सोचें, एवरीबडी इज फेसिंग स्ट्रेस ऑन डेली बेसिस, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है जब बर्न आउट की कैफियत शुरू हो जाती है. सो वट कुड हैपन इन द बर्न आउट स्टेट, वो इतना प्रोलॉन्ग स्ट्रेस आपने लिया उस चीज को, सम टाइम ऐसी कैफियत होती है कि चीजें थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल. सो बर्न आउट आ गया, स्ट्रेस नोकुलेशन है एसोसिएटेड रिजिलियंस इन एक्सेस टू और टू फ्रीक्वेंट स्ट्रेस. स्ट्रेस कैन बी डैमेजिंग टू बोथ माइंड एंड बॉडी. सो लाइक आई वॉज सेइंग बिफोर के कुछ जॉब्स ऐसी थे जहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, या बहुत ज्यादा लोग स्ट्रेस लेते हैं, या दे आर नॉट फीलिंग गुड, या दे डिड नॉट फाइंड अ लेट आउट टू वर्क अलॉन्ग विद देयर स्ट्रेस, या उनकी बॉडी जो है मजीद उसको एक्सेप्ट नहीं करी, तो हाउ द पर्सन इज गोइंग टू डू दैट, लाइक उनके साथ क्या हो सकता है, वो बर्न आउट कैफे बिकॉज योर बॉडी इज नॉट एबल टू स्ट्रे. अब स्ट्रेस एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्ट्रिंग को इतना लंबा खींच रहे हैं, एक हद तक खींचेगा, इट्स मोर लाइक स्ट्रेस. हम किसी एक चीज को स्ट्रेस दे रहे हैं एंड थिंक लाइक दैट, कंसिडर लाइक दैट. जैसे कोई
स्ट्रिंग है या रबर बैंड, उसको खींचे तो वी आर पुटिंग स्ट्रेस ऑन दैट, और एक टाइम आएगा जब उसका एक वो ना बहुत ज्यादा खिंच जाता है, उसके बाद वो टूट जाता है, तो दैट्स हाउ बर्न बर्न आउट सिचुएशन इज. एंड इफ अ पर्सन इज नॉट फीलिंग अंटिल एंड अनलेस द स्ट्रेस इज ओवर, इट मीन्स दैट पर्सन इज इन द बर्न आउट स्टेट. ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू अबाउट दैट, या इसके बारे में क्या हो सकता है, या हमने अपने जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस होते हैं उनको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, या हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट, व्हाट वी कैन डू अबाउट दैट. इट्स काइंड ऑफ रेजिलियंस, ऑफन डिस्क्राइब एज रेजिलियंस, इंपॉर्टेंट होती है आपके बॉडी की. अब यहाँ पे द इंपॉर्टेंट थिंग इज एवरीबडी इज फीलिंग स्ट्रेस इन देयर लाइफ, एवरीबडी फेस स्ट्रेस इन देयर लाइफ, लेकिन कुछ लोगों को अफेक्ट करती है, कुछ लोगों को अफेक्ट नहीं करती, बिकॉज दे आर रेजिलियंस टू दैट स्ट्रेस, या उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, या अपने आप को स्किलफुल किया है, या ऐसे इन्वायरमेंट से आए हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंस, उन्होंने अपने प्रैक्टिस इंडिपेंडेंस को प्रैक्टिस किया है, या दे आर कॉन्फिडेंट इनफ, दे आर इंडिपेंडेंस, दे आर ब्रेन इनफ टू डू दैट, टू फेस दोज थिंग्स, एंड दैट्स दे डिवेल्प इट. यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको रिजिलियंस जो है आपको तोहफे में नहीं मिली, बाय बर्थ आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिली, जैसे आप इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, यू डिवेल्प दोज थिंग्स. एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन डीएनए आल्सो, ऐसी बात नहीं कि डीएनए में वो चीजें नहीं होती, लेकिन इवन देन यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ स्किल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा विदाउट स्पीच पैदा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे थेरेपी लेने से उनकी स्पीच डेवलप हो जाती है, तो इट्स मोर लाइक दैट, बट स्टिल वो इफेक्ट होता है. बट ओवर हेयर बट वी आर टॉकिंग अबाउट रिजिलियंस एंड हाउ यू बाउंस बैक टू द नॉर्मल टाइम, और कितना टाइम लगता है, और कुछ लोग जा पाते कुछ लोग नहीं जा पाते. सो व्हाट इट इज रिकवरी, कितनी जल्दी रिकवरी, इट्स अबिलिटी टू रिटर्न एंड रिस्टोर नॉर्मल लाइफ एट प्री स्ट्रेसर लेवल ऑफ फंक्शनिंग, एंड अ पर्सन इज सपोज टू डू दैट. इफ अ पर्सन इज नॉट डूइंग दैट, इट मीन्स दैट वो बर्न आउट की कैफियत जा रहा है, वो फिर दैट पर्सन इज गोइंग टूवर्ड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन एनी फॉर्म.
देर से माइक म्यूट है, लास्ट टाइम मैंने एक प्रेजेंटेशन की है ये वाली और बहुत मेरा माइक म्यूट था। सो लेट्स डिस्कस अगेन, इट्स ओके। कितने देर, 5 मिनट्स की जितनी भी उसमें हुई है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट के बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हुई है कि नहीं हुई, न्यू नॉर्मल क्या था, और ओके आई होप। कितनी देर पहले हुआ है? अभी जो दोबारा रिस्टोर हुआ उस टाइम इससे पहले मेरा माइक ऑफ था। मुझे बताएं इस स्लाइड में ऑफ है, पिछली स्लाइड में ऑफ हुआ है? ओके ओके, सो ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, सो नो इश्यू विद दैट। थैंक्स फॉर टेलिंग मी, अक्सर ऐसा हो जाता है। सो आई एम सेइंग दैट एक प्रॉब्लम हुई, आपने उस अपनी बॉडी ने उस चीज को रिकवर कर लिया। इंस्टेंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट प्रॉब्लम थी कि आपको स्ट्रेस था, आपने इन टर्म्स ऑफ व्हाट कि आपने एग्जाम दिया और एग्जाम ओवर हो गए, आपके पास अब टाइम है लॉट ऑफ थिंग्स करने का। रेजिस्टेंस उसमें कितने कितना से इम्पैक्ट हुआ, क्या आपने बेहतर परफॉर्म किया एग्जाम में कि नहीं, वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है वो स्ट्रेस आपको। नेक्स्ट थिंग क्या, रिकन्फिग्रेशन। नेक्स्ट टाइम जब सेम सिचुएशन होगी, क्या सिग्निफिकेंट चेंज आपके अंदर आया है? सम टाइम कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी एग्जाम की, लेकिन अगर हम बच्चे एग्जाम्पल है, जैसे जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट बिफोर के अ पर्सन इज अ चाइल्ड केम लेट, बच्चा लेट आया और माँ उस टाइम परेशान थी, लेकिन जब बच्चे ने आके बताया कि मैं ये कर, मैं वो कर, मैं इसमें से लेट हुआ, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है मदर जो है एक लर्निंग कर ले कि आई हैव टू आस्क द स्कूल, या मैं ड्राइवर से पूछ लूँ या खुद उस रास्ते से चले जाऊँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इस स्ट्रेस से ना गुजरूँ और मुझे पता हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या रैपिड एक्शन लेना चाहिए। क्या पता कल कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, लेकिन मैं बैठे अगर इंतजार करूंगी, परेशान होंगी, तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट मी। सो इट्स मीन लाइक यू रिटर्न टू द न्यू नॉर्मल, यू लर्न समथिंग और यू डिड नॉट लर्न समथिंग। दिस लर्निंग कुड बी पॉजिटिव, दिस लर्निंग कुड बी नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे का खुदा ना खासा गॉड फॉरबिड एक्सीडेंट हो जाए, तो मदर वुड थिंक दैट कि मैं अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं भेजूंगी। सो जितने ह्यूमन बींग्स है उतने हमारे रिस्पॉन्सेज चेंज होते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस समथिंग न्यू इन आवर लाइफ इन टर्म्स ऑफ आवर, इधर इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी पॉजिटिव टू। सो नाउ लेट्स लेट्स टॉक अबाउट लेट्स टॉक के हमने हाउ वी आर गोइंग टू टैकल दो स्ट्रेसेस, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमने चले बता दिया, बात कर दिया। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि वन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस, ये नॉर्मल चीज, अक्सर लोग कहते हैं कि चले हमें ये पता चल गया, लेकिन अब अपने हमें करना क्या चाहिए। एंड अदर थिंग, इफ सम प्रोफेशनल इज लिसनिंग टू दिस, दे आर ह्यूमन बींग टू, उनके लाइफ में भी स्ट्रेस होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दे आर वर्किंग विद द पेशेंट, दे आर वर्किंग विद द क्लाइंट, और अगर कोई मदर जिनका स्पेशल बच्चा है, वो खुद बर्नआउट की कैफियत में चली जाती है और वो खुद अपनी टेक केयर नहीं कर रही है, तो उसकी अपनी हेल्थ मुतासर होती है। सो इफ यू आर फेसिंग ऑल दोज थिंग्स दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वट इज हैपनिंग विद मी, या यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वट टू डू अबाउट सर्टन थिंग, सो देन वट यू कैन डू अबाउट दैट? सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ कैन वी मैनेज दैट। सो नाउ कंप्रिहेंसिबिलिटी है आवर डिग्री ऑफ इनसाइट इन टू आवर अचीवमेंट्स एंड डिफिकल्टीज एंड आवर अवेयरनेस ऑफ आवर रिसोर्सेज। इट मीन्स दैट जैसे भी हमने मदर की एग्जाम्पल दी ना, कि क्या वो किसी को कॉल कर सकती है, क्या वो खुद घर से बाहर जा सकती है बच्चे को पता करने के लिए, क्या वो इट मीन्स दैट हाउ मच रिसोर्सफुल यू आर। अगर हम एग्जाम की एग्जाम्पल लें, आपके पास कितने नोट्स हैं, हाउ मेनी नोट्स डू यू हैव, हाउ यू आर गोइंग टू टैकल दोज थिंग्स, हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। सो इट्स मोर अबाउट दैट, एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास कितने नोट्स हैं, कितना टाइम है, बुक्स हैं, दिस इज ऑल अबाउट दैट, कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आप खुद कितने एक चीज के लिए रिसोर्सफुल हैं, या आप खुद उस प्रॉब्लम को डील कर सकते हो, स्ट्रेसर को डील कर सकते कि नहीं कर सकते। इट्स मोर अबाउट दैट कि हाउ मच यू नो अबाउट योर सेल्फ। और अगर किसी और की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि बंदा कितना स्किलफुल है किसी भी चीज को करने के लिए, या उसको और कितनी चीजों की जरूरत होगी और कितनी हेल्प की जरूरत होगी कुछ करने के लिए। तो नेक्स्ट थिंग इज मैनेजेबिलिटी, आवर बिलीव दैट थिंग विल वर्क आउट एज वी एक्सपेक्टेड एंड दैट आवर रिसोर्सेज आर एडुक्वेट एंड अप्रोप्रिएट, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड वो है कितना मैनेजेबल आपके लिए वो चीज हो सकती है, और दैट इज मे बी योर कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, आपका बिलीफ कितना आप कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते, आपको पास्ट एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट एग्जाम, तो
अपने पास्ट रिजल्ट को देखें तो आप कहें कि मैं जब इतने देर के लिए चीज पढ़ता हूँ तो मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, या फिर इफ यू टॉक अबाउट मदर, तो क्या वो उस स्ट्रेसर को दोबारा मैनेज कर सकती है, नहीं मैनेज कर सकती, इफ यू टॉक अबाउट चाइल्ड, और बहुत सारी सिचुएशंस और भी हो सकती है. सो इट्स मोर अबाउट इफ इट इट इट्स अबाउट यू, हाउ मच यू आर एबल टू डू सर्टन थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट पेरेंट्स हु हैव स्पेशली चिल्ड्रन, या हम अब या हमारे पास एज अ प्रोफेशनल अगर हम थेरेपिस्ट बात करें, कितने पेशेंट आप दिन में देख सकते हैं, क्या पता आप बीमार हो तो क्या आप उस दिन वो काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते. इट्स मोर लाइक मैनेजिंग योर सेल्फ, एंड कितना आपको आइडिया है अपने बारे में, हाउ मच यू नो योर सेल्फ, इट्स मोर अबाउट दैट. नाउ द अदर थिंग इज दैट मीनिंगफुलनेस, आवर मोटिवेशन सराउंडेड आवर विशेज टू कोप अप एंड मूव ऑन, इट्स मोर डिपेंड ऑन कि क्या आप उसी स्ट्रेसर के साथ रहना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू मूव ऑन. इट्स मोर लाइक दैट हाउ मच रेजिलियंस यू डिवेल्प, और हाउ मच यू वॉन्ट टू मूव ऑन इन टू सर्टन थिंग्स, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट टू डील दैट स्ट्रेसर इन लेटर ऑन. यानी कि बाद में वो स्ट्रेसर जो है आपको एक स्किल देगा, लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना लर्न कर रहे हैं और कितना मैनेज किया है अपने आप को, और कितने वो चीज मीनिंगफुल होगी आपके लिए. फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ पीपल आर देयर जिनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने आगे जाके लाइफ में क्या करना है, बट दे वॉन्ट टू डू, सो उनको इस चीज का स्ट्रेस हो सकता है. तो जब उन्होंने अपने आप को देखा, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट मैनेजेबिलिटी, कि वो क्या कर सकते हैं, उनके कितने रिसोर्सेज हैं, एंड जब उन्होंने ये सब कर लिया तो क्या उनकी चीज मीनिंगफुल हुई है कि नहीं हुई. अगर मीनिंगफुल उनके लिए हो, इट मीन्स दैट दे आर एबल टू कम अप विद समथिंग, उन्होंने कुछ लर्न किया है उस स्ट्रेस. लेट्स टॉक अबाउट अब इम्पोर्टेंट एज अ पेरेंट, इफ यू आर पेरेंट ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन, स्पेशल नीड अडल्ट, और कोई और भी आपके घर में इलनेस हो सकती है, आपको भी बीमार हो सकते हैं. सो इवन इफ यू आर थेरापिस्ट, हु सो एवर यू आर, हु सो एवर लिसन टू दैट, सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपना कितना ख्याल रखते हैं, कितना काम कर सकते हैं, इफ यू आर थेरापिस्ट आप कितने सेशन दिन में कर सकते हैं, आप कितनी ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, और घर का कितना काम कर सकते हैं, इवन इफ यू आर डूइंग सम एक्सरसाइज, कितना आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो इट्स मोर लाइक दैट के सेल्फ केयर की क्या टिप्स हो सकती है. अब बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारी सेल्फ हेल्प की टिप्स दे रहे होते हैं, बट उसमें बहुत सारी हाइपोथेटिकल चीजें होती है. आप ये कर लें, वो कर लें, एक्सरसाइज कर लें, यहाँ चले जाएं, वहां चले जाएं, म्यूजिक सुन लें, बट जो बेसिक केयर होती है, जो बेसिक सेल्फ केयर होती है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है. उसकी बेसिस पे आपकी बॉडी में रेजिलियंस डेवलप होती है, उसकी बेसिस पे आपकी थिंकिंग डेवलप होती है, इन टर्म ऑफ वर्ड थिंकिंग किस तरह से डेवलप होगी, कि अगर आप बॉडीली रिलैक्स होंगे तो फिर आप बेहतर तरीके से स्ट्रेस को डील कर सकते हैं, और बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं. और ये चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये चीजें आपकी लाइफ की बहुत सारे डिसीजन को मुतासर कर सकती है, इवन हाउ यू आर डीलिंग दैट स्ट्रेस वो उसको भी मुतासर कर रही है. सो विदाउट स्लीप यू कैन नॉट थिंक क्लियरली, एंड यू आर गेटिंग सफिशियंट स्लीप, यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ. यानी अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होगी, आपके डिसीजन जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, आपके यू नो लाइक जितनी नींद आपको चाहिए जहन के लिए, ताकि वो रेस्ट कर सके, दोबारा उसको रिस्टार्ट करें, तो क्या वो प्रॉपर तरीके से आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे. एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट. इसमें कहा कि मे बी इट्स क्योर, मे बी इट्स नॉट क्योर, इट डिपेंड, बहुत क्वेश्चनेबल चीज होती है यहाँ पे, कुछ लोगों को लेकर काम कर पाती है, बट द पॉइंट इज दैट कि क्या प्रायोरिटाइज करते हैं फिजिकल एक्टिविटी या नहीं. और एक्सरसाइज हम फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि डू यू गो आउट, यानी कि जब एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जब बाहर निकलते हैं, तो समटाइम इट गिव यू यू कैन इट इट हेल्प यू आउट टू रिबिल्ड योर सेल्फ. यानी कि यू कैन रिस्टार्ट योर सेल्फ एंड यू कम बैक दैट, अगर आपका स्ट्रेसर इवन होम में भी है. आवर ब्रेन इज मेंटेन बाय फूड वी ईट, इट इज इंपॉर्टेंट, और डू नॉट स्किप योर मील इवन इफ यू डोंट फील लाइक ईटिंग. बहुत दफा लोग डाइट करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत लोगों के साथ जिनको मेरे साथ मैंने काम किया है, इवन इफ देयर क्लाइंट जिनको एंगजाइटी वगैरह भी होती है, या बाकी चीजें भी होती हैं, या डिप्रेशन भी कैसे तौर प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी जो डाइट होती है वो खाना स्किप कर रहे होते हैं, एंड उनकी बॉडी स्ट्रेन में जा रही होती है, उनको पता भी नहीं होता कि आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आपका ब्रेन भी, उसको भी फूड चाहिए, वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है एज एज कम्पेयर टू योर बॉडी, एंड इट नीड फूड, उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए. तो एक्सरसाइज का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज्यादा ये है कि जब आप बाहर जाते हैं, व्हेन यू वॉक इन अ ग्रीन एरिया, तो आपको न्यू ऑक्सीजन, यू आर एबल टू ब्रीद इन अ, यू कुड से इन अ क्लीन ऑक्सीजन, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट योर क्लीन योर यू कुड से क्लीन ऑक्सीजन आपको मिलेगी. एंड इफ यू टॉक अबाउट फूड जो आप खाते हैं, उससे आपको कितनी एनर्जी मिल रही है. फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया हुआ, और आप सेशंस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आप ऑफिस गए हैं, आपकी बॉडी स्ट्रेन में जाएगी, और जब स्ट्रेन में जाएगी तो आप चिड़चिड़े होंगे, काम नहीं कर पाएंगे, एंड इवेंचुअली योर बॉडी इज गोइंग टू शट डाउन, योर ब्रेन इज गोइंग टू शट डाउन,
एंड हेल्थी रिलेशनशिप आर वाइटल फॉर अवर वेलबींग और मेकिंग टाइम फॉर पीपल यू केयर अबाउट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ड्रिवन, गोल ड्रिवन, या बहुत सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे आई एम सेइंग बिकॉज बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पे बाद में जो हमें, क्योंकि मैं जिन कम्युनिटीज के साथ काम करती हूँ उनमें पेरेंट्स भी होते हैं, स्पेशली बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, खुद कुछ अडल्ट भी हैं, जैसे उनको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि वो हेल्दी रिलेशनशिप बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे. ओके, इफ इट्स नॉट इवन अ हेल्दी रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट थिंग, बिकॉज इट अगेन एक डिबेटेबल चीज हो जाती है. बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन भी करना पड़ता है यहाँ पर. लेकिन क्या वो अपने घर वालों को टाइम देते हैं कि नहीं देते? क्वालिटी टाइम, यू डोंट नीड टू सिट विद देम पूरा दिन उनके साथ बैठे, आपको उनसे बात नहीं करें. सो क्वालिटी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या आप अपने बच्चे बाकी बच्चों को टाइम देते कि नहीं देते? क्या अपने घर वालों को टाइम दे रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं? सो हाउ मच यू आर एबल टू मेंटेन द रिलेशनशिप. सेल्फ एक्सप्रेशन इन रिच हु यू आर, वेर आर यू गिविंग द फोकस यू वुड लाइक एंड यू थिंक दैट यू आर पैशनेट अबाउट. इट कुड बी एनीथिंग, पेंटिंग है, ड्रॉइंग है, मे बी फ्यू पीपल लाइक म्यूजिक, फ्यू पीपल लाइक कुकिंग. सो इट डिपेंड अपॉन के जो आपकी जितनी भी चीजें हैं जो आपको पसंद है, क्या आप उसके लिए आप टाइम निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं. आई थिंक कम्युनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, बिकॉज द पॉइंट इज दैट व्हेन यू कनेक्ट विद द कम्युनिटी, व्हेन यू कनेक्ट विद द पीपल अराउंड यू, जब आप जाते उनके साथ काम करते हैं, इवन इफ कम्युनिटी में आपकी हेल्प की भी वो आती है कि आप कितने लोगों की हेल्प करते हैं, इट मेक यू फील. एक तो ये होता है कि जब आप कम्युनिटी में जाते हैं तो आपका होराइजन बड़ा होता है, यू गेट दिस आइडिया कि बाकी लोग उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील कर रहे हैं और कितना इफेक्टिवली डील कर रहे हैं, कितने लिमिटेड रिसोर्सेज उनके हैं और उनको डील कर पा रहे हैं. सो इट्स मोर लाइक ओपनिंग योर इनर आई टुवर्ड द सर्कमस्टांसेस अराउंड यू. एंड इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप उनके साथ कितना कनेक्टेड फील करते हैं. एंड इट्स मोर लाइक यू विल फाइंड पीपल अराउंड, यू विल टॉक टू देम, एंड थोड़ा टाइम के लिए आपको जो जो एक परसिस्टेंट स्ट्रेसर हो सकता है आपकी जो है, यू विल फील बेटर एट सम प्लेस. नाउ अगर कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रेसफुल है चीज, क्या आप उसको कैसे रिस्पॉन्स करें? डू यू रन अवे फ्रॉम और अवॉइड स्ट्रेसफुल एंग्जाइटी इंड्यूसिंग सिचुएशन और नॉट? एंड दैट इज इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि वो चीज वही होती है और आप उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं. सो वट इज योर रिस्पॉन्स टू एग्जिस्टिंग स्ट्रेस? यू नीड टू आस्क दिस योरसेल्फ. क्या आप उसे भाग रहे हैं, क्या आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, क्या वो सिचुएशन आपके लिए एंग्जाइटी इंड्यूस? अब स्ट्रेसर को भी वर्ड, फॉर एग्जाम्पल कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, क्या आप उस बंदे से बात करें कि नहीं करें? तो इट मीन्स दैट यू आर अवॉइडिंग दैट. तो कबूतर की तरह आंखें बंद करने से प्रॉब्लम कहीं जाती है, वहीं की वहीं रहती है. आप जो है उस प्रॉब्लम को इतनी देर तक रख के जो आप खुद थक जाते हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड. डू यू सप्रेस और पुश आउट फीलिंग दैट आर अपसेटिंग, या सप्रेस करें, पुश पीछे करें? आप किसी के साथ गुस्सा है, किसी ने कुछ किया आपके साथ बुरा, क्या आपने उस बंदे से कोई बात की है कि नहीं की? इधर इट्स योर फ्रेंड, घर में कुछ इस किस्म की चीज है, यू नो क्या स्ट्रेस का जो रिस्पॉन्स आपका आ रहा है? क्योंकि ओवर हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेसर, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्स. क्या आप उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? कोई फिजिकल स्टेप लिए कि नहीं लिए? डू यू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम स्ट्रेस? कीप बिजी ईटिंग ड्रिंकिंग अल्कोहल, बिकॉज ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप समटाइम इज अवॉइडेंस रिस्पॉन्स. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आप उस सिचुएशन को अवॉइड करने के, लोगों को अवॉइड करने के जिनसे आपको प्रॉब्लम, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, या कुछ और चीज है, किसी ने आपने किसी से कुछ लेना है, आप उसको कैसे अवॉइड करना, आपका रिस्पॉन्स किस तरह का है? अदर थिंग्स, डू यू टॉक टू योरसेल्फ आउट फीलिंग एंशियस, स्ट्रेस और वरीड? ओके, बिफोर दैट डू यू रिप्लेस बैड थॉट्स विद गुड थॉट्स? यू नो बैड थॉट्स मतलब ये जो जो हमारे प्री कंसीव आइडिया अबाउट समथिंग होते हैं कि वी आर नॉट एबल टू डू, एंड दैट इज नेगेटिव सेल्फ थॉट ओवर हियर. नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड नेगेटिव सेल्फ थॉट अबाउट योर सेल्फ, दैट योर आस्किंग योर सेल्फ दैट यू कैन नॉट डू दैट. हालांकि आपने पूरी जिंदगी वो चीज की होती है, लेकिन आप इतने स्ट्रेस आउट होते हैं कि यू स्टार्ट फीलिंग नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, इंडिपेंड के आपका रिस्पॉन्स कैसा आपके नहीं करा. डू यू टॉक टू योर सेल्फ अबाउट वर्क? क्या आप अपने आपसे बात करते हैं? अगर नहीं तो क्या जर्नलिंग आप करते हैं कि नहीं करते? जर्नलिंग मीन्स यू आर राइटिंग अबाउट योर थॉट्स और नॉट. डू यू सीक हेल्प? इट्स इंपॉर्टेंट. क्या आप किसी से बात करते हैं? और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट प्लेस नीड टू बी सेफ प्लेस फॉर यू, यानी कि वहां पे आपसे आपकी बात को सुना जाए, आपको अच्छा मशवरा दिया जाए, कि आपको लोग ये कहें कि तुम लाइक आई एम टेलिंग यू, ये मैं आपको कुछ वर्बेटम दे रही हूँ किसी क्लाइंट का जिसको उसकी फ्रेंड ने बोला है कि तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकते, दैट वाज अबाउट अ रिलेशनशिप, कि तुम इस रिलेशनशिप में चली गई हो, तुम्हें इस चीज की समझ क्यों नहीं आई, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया. एंड उस बंदी का स्ट्रेस बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, और शी वेंट इन टू वेरी बैड ट्रबल्स जस्ट बिकॉज ऑफ गोइंग टू अ प्लेस, यानी कि शायद उसको उस प्रॉब्लम, उस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम, उसे इतने प्रॉब्लम नहीं हुई जितना उस दोस्त के पास जाने से, उससे वो चीजें डिस्कस करने से, उस दोस्त को मैनिपुलेट करने से, उसको इस्तेमाल कर रही थी उस चीज के लिए, कितना
ना उसकी लाइफ की जो एक वो इशू था उससे उस फ्रेंड के साथ बात करने से वो चीज ज्यादा हो गई और उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए। सो आपको समझने की जरूरत है कि कौन सी जगह आप किसी पे कहाँ पे वो जाना चाहिए, किन से बात करनी चाहिए, क्या थेरेपी ले रहे हैं, क्या आप बुक्स पढ़ते हैं, क्या आप लोगों से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं। सो इट्स क्या आपका रिस्पॉन्स क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, यू नीड टॉक अबाउट। एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग इवन इफ से घर के अंदर भी काम कर रहे हैं, बिकॉज हाउस वाइफ आर दोज हु इट्स काइंड ऑफ 24/7 काइंड ऑफ अ थिंग। सो व्हाट यू कैन डू, इंक्रीज योर साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड फ्रॉम दैट, अभी जो थोड़ी पहले मैंने बात की थी, जो आपकी कंपनी है दैट नीड टू बी सेफ, यानी कि ऐसे दोस्त आपके नहीं होने चाहिए जो आपके आपको ऑल द टाइम जज करते हैं, आपको ऑल द टाइम बुलिंग करते हैं, ऑल द टाइम आपको क्रिटिसाइज करते रहे, और ऑल द टाइम कोई कि फलाने बंदे ने आपके बारे में ये बात की, फलाने बंदे ने आपके बारे में ये बात की, व्हाई दैट पर्सन वाज कंफर्टेबल इनफ टू टॉक टू दैट पर्सन, वो क्यों इतना कंफर्टेबल था उस बंदे के बारे में आपके बारे में गलत बात सुनने के लिए। तो यहाँ पे आपने ओपन माइंड से देखना है कि क्या वो बंदा आपके लिए सेफ है कि नहीं है इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, या बाकी सेफ्टी करे कि नहीं करे, अपनी अपनी टेक केयर करें कि नहीं करे, जैसे हमने पीछे सारे चीजों के बारे में डिस्कस किया। ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन विल रिड्यूस द परसेप्शन ऑफ वर्क प्लेस एंड थ्रेट। सो इट्स मोर अबाउट कि जो आपकी सिचुएशन है वर्क प्लेस में, वहां पर जब आप लोगों से बात करेंगे, कोलैबोरेशन में चीजें करेंगे, वो आपके लिए आसान हो जाएंगी। बिल्ड रेगुलर ब्रेक टाइम्स, बिकॉज ये बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे थेरेपिस्ट या वर्कर जो है या जॉब करने में लोग ये प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहे होते हैं, और ये बाद में मुझसे सवाल पूछे तो मैं आई ट्राइड कि मैं हर चीज होकर उसमें डालूं, एड एवरीथिंग इट्स अबाउट मदर थेरेपिस्ट या जो वर्किंग पीपल होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट टॉक अबाउट ओवर हियर, एंड यू कैन अप्लाई दिस विद योरसेल्फ आल्सो, के छोट 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 ब्रेक ले, ब्रेक इन एवरीथिंग, क्या आप जब एग्जाम्स में भी जब आप पढ़ रहे हो तो ब्रेक ले उस चीज के अंदर 20-30 मिनट्स की, 20 मिनट्स 30 मिनट्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क, इतने देर ब्रेक ले से थोड़ा रिलैक्स है, फिर दोबारा स्टार्ट करें ताकि दोबारा आप रीस्टार्ट हो, आपको बेहतर तरीके से चीजों कर सकें। एंड ह्यूमन इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जो है 120 मिनट से ज्यादा जो है वहाँ पे वो दें, तो आपको ब्रेक की, रेस्ट की जरूरत होती है। अब ये नहीं कि आप सारा दिन काम करें फिर लेटें, काम करें फिर लेटें, समटाइम इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, बट आई थिंक जितना आप कर सकते उतना जरूर करें। फिर इनकरेज द यूज ऑफ प्राइवेट वर्क स्पेस, यहाँ पे मैंने इसलिए कहा कि समटाइम ऑफिस में मेल फीमेल दोनों होते हैं, सो बहुत सारे ऑफिस में अब जगह अवेलेबल होते हैं जहाँ पे सिर्फ फीमेल जो होती है जिस रूम में बैठती हैं और मेल अलग रूम में बैठती है, यूनिवर्सिटी में वैसी जगह होती है। सो इट्स मोर लाइक के एक ऐसे प्राइवेट वर्क प्लेस आपको खोलना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, ऑफिस हैव मोर डिस्ट्रैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन स्टाफ, मतलब उनके दरमियान वो होते हैं तो जो फ्रस्ट्रेशन एंग्जाइटी हो रही है, इवन अगर आप स्कूल में काम करते हैं इस किस्म की चीजें हैं, तो कुछ टाइम आउट प्लान करें, इकट्ठे बाहर जाएं ताकि वो आपकी सराउंडिंग बेहतर हो, आपके रिलेशनशिप बेहतर हो। और आल्सो यू नीड टू सेट बाउंड्रीज ऑफ योर वर्क टू, जो काम आप नहीं कर सकते से सॉरी फॉर दैट, और आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज योर जॉब रोल और आपका क्या काम है, ट्राई टू डू दैट वर्क फर्स्ट, फिर बाकी लोगों का काम करें, क्योंकि इन समबडीज आस्किंग हेल्प फ्रॉम यू। सो फर्स्ट सेव योर सेल्फ देन डू समथिंग फॉर अदर पीपल, तो यहाँ पे आपकी सेफ्टी पहले इंपॉर्टेंट है। अदर थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपकी पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ और वर्क लाइफ कितनी अलग है, ये सब चीजें अलग है। डू नॉट ट्राई टू मिक्स दोज थिंग्स एंड डू नॉट ट्राई टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्राई करेंगे यूनिवर्सिटी जो ऑफिस से काम है वो ऑफिस के अंदर ही कंप्लीट करें, या बिकॉज अक्सर ऐसा होता है मैं बहुत सारे लोगों को देखे ऑफिस का काम होते घर आके करते, फिर उनके रिलेशनशिप मुतासिस से होते हैं कि ना वो बच्चों को टाइम दे पाते हैं ना घर वालों को टाइम दे पाते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ओवर हियर कि यू आर अ रिप्लेसेबल पर्सन इन टर्म्स ऑफ वर्क, अगर आप रिजाइन करते हैं अपने बीमारों की वजह से कल को वो कोई और बंदा रख लेंगे, बट यू हैव ओनली वन लाइफ, आप ये जहन में रखें, बी माइंडफुल अबाउट दैट। ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि क्रिएट फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसीज, वो अगर इफ यू अगर नहीं हो तो फिर डिमांड दोस पॉलिसीज के फ्लेक्सिबल हो। समटाइम कुछ लोग टाइम्स को इश्यू होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कोई सिंगल मदर है, उनको उन्होंने बच्चों को स्कूल छोड़ना है, बच्चों को लेके आना है, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते, अदरवाइज वो अगर नहीं करेंगे तो, क्योंकि जब जब से एटीएम मशीन ये थम मशीन आई है तब से लोगों के बहुत पैसे कटते हैं इसकी वजह से, बट अगर आप वहां पे पॉलिसी इस किस्म की हो तो पीपल विल फील बेटर टू वर्क ओवर देयर। अदर थिंग इज दैट मेक श्योर प्लेयर पीपल आर इन द राइट रोल्स, जिसका जो काम है उसे वही काम लिया जाए, एंड व्हेन स्टाफ इज डूइंग देयर जॉब इनकरेज ऑटोनॉमी इन टर्म्स ऑफ वर्क, एंड यू कैन डू दैट इन टर्म्स ऑफ वर्क व्हेन यू आर वर्किंग इन अ स्कूल इन योर फ्रेंडशिप सर्कल, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, एंड टास्क के हवाले से, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट के हवाले से ट्राई टू हैव स्मॉल स्मॉल आउटिंग प्लान, टी पार्टी करें, इवन ऑफिस के अंदर ही करें, एक जोन आप पहुंच जहाँ पे आप गेमिंग्स कर सकें, यू कैन डू अदर थिंग्स ऑल्सो, सो इट इज गोइंग टू हेल्प आउट टू बिल्ड अ वेरी पॉजिटिव कम्युनिटी इन द वर्क प्लेस।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट वट अदर इफेक्टिव टेक्निक्स अ पर्सन कुड डू जो कि हेल्प आउट कर सकता है आपको, गाइडेड इमेजरी कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है आपको,